उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए सरकार आने वाले समय में कई योजनाएं लेकर आएगी। उन्होंने कहा कि निजी गोदामों की तर्ज पर पंचायतों के माध्यम से गोदामों का निर्माण करवाया जाएगा। इससे पंचायती राज संस्थाओं की इनकम बढ़ेगी और वे स्वावलंबी बन पाएंगी। प्रदेश भर में एक साल के भीतर 7 लाख मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण करवाया जाएगा। इसी के साथ आगामी पंचायत चुनाव में 50% महिलाओं को हिस्सेदारी देकर महिला सशक्तिकरण की ओर एक कदम आगे बढ़ाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज बरनाला रोड स्थित आवास पर जनसमस्याएं सुनने के बाद पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। तमाम प्रदेशवासियों को, देशवासियों को दशहरे के इस पावन पर्व की शुभकामना और बुराई के ऊपर आज सच्चाई की जीत का जो ये दिवस है, तमाम लोगों से यही आग्रह करते हैं कि सामाजिक कुनीतियों को कैसे सुधारा जाए, संकल्प हम मिलकर लें कि इस दिन ये प्रण लेकर हम आगे बढ़ने का काम करें। कल मैंने घोषणा भी करी कि हमने वेयर हाउसिंग के साथ टाई अप किया है, और जैसे प्राइवेट लोग गोदाउन बनाते हैं और उससे रेवेन्यू जनरेशन होती है, उसी तर्ज पे हरियाणा सरकार पंचायती राज के माध्यम से 7 लाख मेट्रिक टन की कैपेसिटी के अगले एक साल के अंदर पंचायतों में गोदाउन बनाने का काम करेगी, जिससे हमारे पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है, ख़ासतौर पर जो ग्राम पंचायतें हैं, उनको एक एडिशनल रेवेन्यू सोर्स हम डेवलप कर देंगे। साथ में जहाँ इंडस्ट्री की बात आ रही है उसके ऊपर भी हमारे प्रयास है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, HSIDC हो, अगर किसी ग्राम पंचायत के पास फंड्स हैं और वो डेवलप करना चाहती हैं और वो प्लग एंड प्ले पॉलिसी के तहत शेल बनाकर आगे कंपनीज़ को लीज पर व्यवस्था दे सके, जिसमें कई पंचायतें ऐसी हैं जिनके बड़ी एक्विजिशन का पैसा पड़ा है, उनको भी हम मोटिवेट करेंगे कि वो इंडस्ट्रीज़ को इन्वाइट करें। प्रदेश के अंदर 74 महिला सरपंचेज मेंबर्स, जिला परिषद ब्लॉक समिति मेंबर्स, जिनने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर दिखाया है। जैसे कल फतेहबाद की एक महिला सरपंच थी जिसने कचरे से रेवेन्यू जनरेशन अपने गांव में शुरू करी। कई हैं जिनने एजुकेशन के फील्ड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया, हमने उनको सम्मानित किया, और आगामी पंचायती राज चुनाव में 50% हिस्सेदारी देकर महिला सशक्तिकरण पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में हम लाने का काम। आज के दिन माहौल सरकार के पक्ष में है, दोनों संगठनों की ओर से निरंतर वहाँ पर बैठ के चल रही है, और आने वाले समय में हमारी ओर से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के भी प्रोग्राम बनाए जाएंगे, और स्वयं मैं भी 2 दिन बड़ौदा में लगा के आऊँगा और 2 दिन ही मुख्यमंत्री वहाँ लगाएंगे। और विश्वास है कि जो वोट्स डिवाइड हुए थे जनरल इलेक्शन में, जिसमें 32,000 कुछ वोट हमारे संगठन को मिले थे और बीजेपी को 35,000 कुछ वोट मिले थे, मिलकर अब मेरा ये मानना है कि हम 90-95,000 का आंकड़ा छूकर ऐतिहासिक जीत बड़ौदा के अंदर प्राप्त करें। मैं तो उन लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, आज से 363 दिन पहले जब प्रदेश में JJP और BJP की सरकार 27 तारीख पिछले साल अक्टूबर को बनी थी, मुझे याद है जब से कांग्रेस और इनेलो ये कह रही थी ये सरकार 6 महीने नहीं चलेगी, फिर ये कहने लग गए कि ये सरकार 1 साल नहीं चलेगी। मजबूती के साथ प्रदेश में ये सरकार पिछले 363 दिनों से चली है, और ये विश्वास दिला देता हूँ कि अगले 4 साल भी इसी मजबूती के साथ ये गठबंधन चलेगा। प्रदेश के हित के लिए जो हमने कदम उठाए हैं, आज चाहे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बड़े बदलाव हो, रेवेन्यू सिस्टम को पूरी तौर पर हमने चेंज किया, और उसका नतीजा है कि आज के दिन तेलंगाना हमें रेप्लिकेट कर रहा है। पंचायती राज के अंदर 1 लाल डोरा मुक्त गांव करना चैलेंज था, और अब हमारे 200 ऐसे गांव हैं जो प्रधानमंत्री ने खुद 2 तारीख को देश भर के आगे बताए। स्वमित्व के अंदर हरियाणा को रेप्लिकेट किया 7 और राज्यों के अंदर, उसी तरीके से अब नई कार्रवाई
जो आरटीए विभाग है उसके अंदर करी है। ये अपने आप में दर्शाता है कि जो लोग डरते थे बदलाव करने से, पिछले गवर्नमेंट्स के अंदर जो एक कहीं ना कहीं घबराहट थी कि ऐसे चेंजेस शायद क्या इम्पैक्ट लेंगे, हमने दम से पिछले एक साल में वो बदलाव लाने का काम किया और उससे प्रदेश की व्यवस्था बहुत बेहतरीन हुई है। बहुत लोग कहते थे कि इसके अंदर प्रोक्योरमेंट फेल होगी फेल होगी। मैं कल 3 मंडियों का दौरा कर आया, कोई एक ऐसी मंडी नहीं है जिसमें 2 गुना पैडी का, कॉटन का, बाजरे का इनफ्लो ना हुआ और एक एक दाना प्रोक्योर किया गया। एक समस्या सप्ताह पहले मेरे सामने आई कि 1509 एक पैडी की वैरायटी है जो प्रोक्योरमेंट में नहीं ली जाती सरकार द्वारा, उसका रेट 1790 और 1810 के बीच में पहुंचा हुआ था, जबकि सरकारी खरीद जो है वो सरकारी खरीद 1868 और 88 की है। तो हमने तुरंत उसका लेटर भी इशू किया और एफएड को ये आदेश दिए हैं कि हरियाणा प्रदेश की किसी भी मंडी में अगर 1509 आती है तो उसको 1888 के दाम पे एफएड तुरंत प्रभाव से खरीदने का काम करें। मैं तो उनसे आग्रह करता हूँ, उनकी कोई समस्या है, उनको ये डर था कि एमएसपी पर परचेज नहीं होगी। हरियाणा सरकार ने 5 प्रोड्यूस जिसके अंदर कॉटन भी है, बाजरा भी है, मक्का भी है और दोनों पैडी की वैरायटी भी एमएसपी पे पूरे प्रदेश में खरीदी है। कॉटन का इनफ्लो जो है वो पिछले साल से हमने 4 गुना ज़्यादा सीसीआई से अप्रूव करवाया है। अगर उनकी कोई स्पेसिफिक डिमांड है जो उनको लगता है कि हम फुलफिल कर सकते हैं स्टेट पॉलिसी के अंदर, जरूर उनके भी हम विचार सुनेंगे, उस पर कदम उठाएंगे। मैं तो एक चीज पहले भी बोल चुका हूँ कि चौधरी देवीलाल जी हमेशा कहते थे कि अगर सरकार में किसान है तभी किसान का भला होगा, इस्तीफा देने से कोई किसान का तो भला नहीं होगा। जो लोग इस्तीफे की बात करते हैं आज उनकी मंशा क्या है, वो तो किसानों को ढाल बनाकर खुद सत्ता में आना चाहते हैं। कांग्रेस की सरकार पंजाब में है, पंजाब में क्यों किसान धरने पर बैठा है? उनने तो कानून पारित किया किसान को धोखा देने के लिए कि पैडी पे और वीट पे एमएसपी पे जो नहीं खरीदेगा उसको 3 साल की सजा का प्रावधान। हम तो केवल मात्र पैडी और वीट की बात नहीं कर रहे, हम तो बाजरा भी ले रहे हैं, मक्का भी ले रहे हैं, दाल भी ले रहे हैं, नरमा भी ले रहे हैं, सूरजमुखी भी ले रहे हैं, सरसों भी ले रहे हैं। मैं तो पंजाब सरकार को कहता हूँ अगर वो इतनी किसान हितैषी है तो कांग्रेस की राजस्थान में भी सरकार है, उनका बाजरा क्यों हरियाणा प्रदेश में आता है? पंजाब से आज कॉटन क्यों हरियाणा प्रदेश में आ रही है? अगर वो इतने किसान हितैषी है तो प्रत्येक प्रोड्यूस जितनी भी किसान की है उसको एमएसपी पे खरीदने का कानून क्यों नहीं लेकर आए? हरियाणा इकलौता राज्य है जो 11 सब्जियों और फलों को भी आज भावांतर योजना के बाद मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर लेने का काम कर रहा है। व्यवस्थित तरीके से लोग आ ही रहे, कोई आना चाहे चर्चा करना चाहे तो हमारे दरवाजे तो हमेशा खुले हैं।